फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी और हम इसको एक बहुत ही इजी और सिंपल इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सपोज़ कीजिए, इकोनॉमी में दो ही इंडिविजुअल्स हैं, एक रिया और एक श्याम, और दोनों के पास $100 हैं। और रिया जो है वो बुक सेल करती है और श्याम जो है टॉफी सेल करता है। तो सबसे पहले इस इकोनॉमी में कितना मनी है? मनी इस इकोनॉमी में $200 है। वाई? बिकॉज रिया के पास $100 हैं और श्याम के पास $100 हैं। तो फ्रेंड्स, रिया श्याम से टॉफीज़ खरीदती है $100 की, तो रिया श्याम को यानी $100 पे कर देती है, राइट? और उसी तरह जब श्याम है वो रिया से बुक्स खरीदता है और वो $200 की सपोज़ कीजिए बुक्स खरीदता है, तो श्याम रिया को कितना पैसा दे देता है? श्याम रिया को $200 दे देता है, क्योंकि जब उसने टॉफीज़ रिया ने खरीदी थी तो श्याम के पैसे बढ़ गए थे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इस इकोनॉमी में कितने रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस हो रही है? तो बेसिकली ये $100 पहले रिया ने श्याम को दिए, उसके बाद श्याम ने रिया को $200 दिए। तो इस इकोनॉमी में 200 प्लस $100 की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मतलब टोटल $300 की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और इसी $300 को फ्रेंड्स मैं GDP भी बोलती हूँ। GDP मतलब कितनी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस एक इकोनॉमी में हो रही है। तो फ्रेंड्स, दैट मींस मेरा GDP इस इकोनॉमी का $300 है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह हम वेलोसिटी को, अब टाइम आ गया हम डिफाइन करें। वेलोसिटी को मैं बोल सकती हूँ एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ डॉलर इज सर्कुलेटेड इन एन इकोनॉमी। इसका मीनिंग मैं पहले इंट्यूटिव समझ लेते हैं, फिर हम फॉर्मूले पे जाएंगे एंड इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब रिया शाम को $100 दे रही है तो ये $100 एक बार सर्कुलेट हुआ है, राइट? लेकिन जब शाम रिया को $200 दे रहा है तो इसके पास जो $100 थे वो तो सिर्फ एक बार सर्कुलेट हुए, एक बार घूमे, लेकिन जो रिया ने इसको $100 पहले दिए थे वो कितनी बार? वो दूसरी बार सर्कुलेट हुए। यानी कि जो रिया के पास $100 थे वो वापस घूम के रिया के पास आ रहे हैं, तो इसका सर्कुलेशन टाइम क्या है? 2 है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाहती हूँ मैं एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स निकालूँ। तो मेरा एवरेज कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? मेरा जो $100 है वो एक बार सर्कुलेट हो रहा है, मेरा जो $200 है फ्रेंड्स वो उसमें, बाकी जो मेरा $100 है वो मेरा 2 times सर्कुलेट हो रहा है। तो मेरा एवरेज कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? 200, ये आपका 200 हो गया। और ये क्योंकि दो टाइम 200 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये जो टोटल मनी है इकोनॉमी का ये 200 है, राइट? ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, ठीक है, ये 200 है। तो अगर मैं 300/200 करूँ तो मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। ये फ्रेंड्स, मैंने कुछ नहीं करा इसमें, एवरेज निकाले। एवरेज निकालने के लिए मेरा 100 × मैंने 1 करा, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, और इससे 100 आया। और अगर मेरा जो सेकंड $100 है वो 2 times सर्कुलेट हो रहा है तो 200 आया, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 200 से। क्यों डिवाइड करा 200 से? क्योंकि जो टोटल मनी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो 200 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंट्यूटिव मीनिंग नहीं समझ आया तो इसको ऐसे समझिए कि ये जो फॉर्मूले से समझिए आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू GDP अपॉन मनी सप्लाई। तो इस इकोनॉमी का GDP कितना है? 300 है, और इस इकोनॉमी की मनी सप्लाई कितनी है? 200 है। तो अगर मैं 300/200 कर दूँ तो मेरा आएगा 3/2। तो 3/2 इज़ द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स $1 इज सर्कुलेटेड इन एन इकोनॉमी। चलिए फटाफट इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। जब रिया ने शाम को $100 दिए तो वो फर्स्ट $100 मेरा एक टाइम सर्कुलेट हुआ, लेकिन जब शाम ने रिया को वापस मेरे $200 दिए तो उनमें से $100 तो एक बार सर्कुलेट हुआ और दूसरा $100 सेकेंड टाइम सर्कुलेट हुआ। तो टोटल हम जब एवरेज निकालते हैं कि $1 कितनी बार सर्कुलेट हुआ, तो हम क्या निकालते हैं? एवरेज। तो एवरेज हम इस मेथड से निकालेंगे तो मेरा 3/2 आंसर आएगा। बट इकोनॉमी क्योंकि बहुत बड़ी है तो ये एवरेज का मेथड मेरा यूज़ नहीं हो सकता, और मैं एक फॉर्मूला यूज़ करती हूँ जिसमें GDP अपॉन मनी सप्लाई करती हूँ और उससे भी मेरा सेम आंसर आता है। फ्रेंड्स, दिस वॉज वेलोसिटी। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।